आज हम पढ़ेंगे 2D array। ठीक है, 2D array हमारा क्या होता है? 2D array मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि ये होता है, हम इस तरीके से बनाते हैं 2D array को, और फिर किस तरीके से वर्क करता है। सबसे पहले हमने क्या किया, int a array ऐसे बना दी। ठीक है, अब ये जो होता है पहला वाला कॉलम वो रो के लिए होता है, दूसरा वाला कॉलम जो होता है वो होता है हमारा कॉलम के लिए। अब हम उसमें डिक्लेयर कैसे करते हैं, हम किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, ये बात तो अपन ने देखी थी। देन इसके अंदर हमने 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। अब ये क्या है, हमारा रो है, एंड ये क्या है, इसके अंदर हमारे कॉलम है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार हम प्रिंटिंग देख लेते हैं, और फिर तो उसके बाद में समझते हैं कि ये इंटरनली कैसे वर्क कर रहा है। int a array में हमने 0 कर दिया है, और अब हम देखो एक बार इसको रन करते हैं। 0,0 पे ये एरर दे रहा है। यहाँ पर हमको क्या लेना पड़ेगा, रो कितनी है हमारी, 1 जो 3 रो है, कितनी रो है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हमने थोड़ी सी गड़बड़ी यहाँ कर दी, और अब हम उसको रन करते हैं एक बार, तब ये हमको दे रहा है एरर। तीन रो और तीन कॉलम। तो भी देखो इनिशियलाइजर जो है वो हमारा कहीं ना कहीं हम छोटी सी मिस्टेक कर रहे हैं इसके अंदर, मिस्टेक को हम समझ लेते हैं। 1, 2, 3 भाई, 1, 2, ओके, हमने यहाँ पर 4 दे दिए हैं। ठीक है, अब हम रन करते हैं, अब हमारा हो जाएगा, अभी नहीं क्या कर रहे थे कि हम यहाँ पर जो एरे ले रहे थे वो ये ले रहे थे, तो हमने एरे लिया था 3 रो एंड 4 कॉलम का, और अब हमने इसको रन किया, तो ये 0,0, तो ये 0,0 प्रिंट हो कैसे रहा है उसको समझना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसकी इंटरनल प्रॉपर्टी को। तो हमने एक एरे बनाया है इस टाइप से। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या लेंगे, 1,2,3,4, 1,2,3,4, 1,2,3,4। तो हमने क्या लिखा था कि नंबर ऑफ रोज हमारी कितनी है, 3 है, तो 3। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं हमारे, 4। इस तरीके से हमने लिखा था, नंबर ऑफ जो रो है हमारी वो 3 है, और जो नंबर ऑफ कॉलम से हमारी वो है 4। अब हम इसके इंटरनल प्रॉपर्टी देखेंगे किस तरीके से ये हमारा मेमोरी के अंदर स्टोर हुई। तो देखो सबसे पहले ये है हमारी एक मेमोरी, क्या है हमारी मेमोरी। तो सबसे पहले ये बोल रहा है कि रो रो कितनी है, 1, 2, 3, तो हम 3 रो बना देते हैं। ये बन गई हमारी कौन सी, रो 1, रो 2 एंड रो 3। अब ये बोल रहा है कि फर्स्ट रो के अंदर 4 कॉलम है, यानी कि 1, 2, 3, 4। सेकंड रो में भी 4 कॉलम है, 1, 2, 3, 4, और फोर्थ रो में भी 4 कॉलम है, 1, 2, 3, 4, चार चार कॉलम है। ठीक है, तो अब इसको हमने बोल दिया C1, C2, C3 एंड C4। अब हम क्या करते हैं, इनकी सभी की इंडेक्सिंग करते हैं, तो ये है 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, तो ये कितने पे स्टोर है, 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, 1,0, 1,1, 1,2, 1,3, 2,0, 2,1, 2,2 और 2,3। अगर मैं 1,3 लिखती हूँ तो देखना मेरे पास में जो आउटपुट आएगा वो यही आएगा, 1,3। क्या लिख रहे हैं हम, 1,3। तो अब हम एक बार रन कर लेते हैं, तो 1,3 में हमारा 4 रखा हुआ था, तो 4 है। ठीक है, इस तरीके से हमारा काम करता है 2D array। अगर हमको इसको पूरा प्रिंट करना होगा तो उसके लिए देखो सबसे पहला वाला जो हमारा लूप चलेगा वो चलेगा रो के लिए,
मैंने पहला लूप चलाया, 1 2 3, ठीक है, तो आई लेस देन सेमी कॉलन आई प्लस, ठीक है। अब जो दूसरा रो चलेगा हमारा, जो कॉलम चलेगा वो कॉलम चलेगा हमारा किस चीज के लिए, फर्स्ट रो में कितना है, इंच जे इक्वल टू 0, जे लेस देन 4, सेमी कॉलन और जे प्लस 4। अब हमको इसको प्रिंट करना है, सी आउट ए ऑफ आई जे प्लस सी आउट एंड आगे हमारा इस तरीके से ये हमारा प्रिंट हुआ है, ठीक है।